देखिए, मैं आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. मैंने बड़ा क्लियरली ये अपील किया है कि 8 और 10 मुहर्रम के जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं, वाई शुड दे नॉट बी रिज्यूम. इफ़ वी से देर इज़ नॉर्मलसी, इफ़ देर इज़ नॉर्मलसी, देन वाई शुड 8th और 10th मुहर्रम के वो हम उनको रिज्यूम क्यों नहीं करेंगे. नॉर्मलसी द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग. इट डज़ नॉट लाई इन रेटरिक. मैं कहूँ रात है तो रात थोड़ी होगी, मैं कहूँगा दिन है तो दिन थोड़ी होगी. दिन का सबूत दिन की रोशनी होती है, और हालात ठीक होने का सबूत हालात ठीक होने के अलामत होते हैं. सो आई होप, मेरी मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी जब मैं आखिरी बार मिला, मैंने बड़ा फर्वेंटली उनको कहा कि अगर हम नॉर्मलसी कह रहे हो, नॉर्मलसी है भी, इट्स नॉट अ मिथ, थिंग्स हैव नॉर्मलाइज्ड, देन जो 89 तक ट्रेडिशनल रूट्स हैं उस पर हो. लेकिन आई अंडरस्टैंड दैट आई थिंक दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज मिसलेड. ओवर कॉशियस एक अप्रोच होता है कि ना ही करें तो कुछ नहीं होगा, बट कम्युनिटी की तरफ ओवर कॉशियस नहीं होना चाहिए. मैंने बहुत स्ट्रांगली, बहुत रेजोल्यूटली अपील की है कि 8 और 10 मुहर्रम के प्रोसेशन को, खासकर जो आबी गुजर के थ्रू होता है प्रोसेशन, ट्रेडिशनल प्रोसेशन है, उसको अलाउ किया जाए. एक जो हमारा शीशगढ़ी मोहल्ला से प्रोसेशन निकलता है, उसका रूट एक्सटेंशन भी आई हैव बीन फॉलोइंग इट. मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गुजारिश की कि उसका रूट एक्सटेंशन हो, और उसका रूट एक्सटेंशन भी हो गया है. तो कोशिश तो रहेगी, उम्मीद बाकी फिर द एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव टू टेक. सर, मणिपुर बात ही नहीं है उसमें, वी शुड स्पीक एज ह्यूमन बीइंग्स. सियासत की बात ही नहीं, तो इंसानियत की बात है. इंसानियत पामाल हो गई है. और मेरा, मैंने कल भी आई ट्वीटेड दिस के आर्टिकल 355 एंड 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. इससे ज़्यादा ब्रेकडाउन क्या होगा? और अब ये कहना कि ये 2.5 महीने पहला वाला वीडियो, और फिर गवर्नर ऑफ मणिपुर जो एक फीमेल है, वो कहें कि मुझे जी शर्म आ रही है, आई विल नॉट टॉक टू द DG. 2.5 महीने तक उनको पता नहीं थी ये हुआ. सो अगर पता नहीं थी, फिर ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है. अगर पता थी, फिर कॉम्प्लिसिटी है. तो मैंने वही कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउ लॉन्ग ऑफ अ रोप इज़ टू लॉन्ग. कितनी मणिपुर गवर्नमेंट को वो फरागत दे रहे हैं कि कितना सब्र किया जाएगा. तो वो जो मजलूम है मणिपुर के, उनके साथ भी हमारा इजहार यकजहती है, इजहार ताज़ियत है कि वहाँ पर क्या अजायम हो रहे हैं, ख़ासकर औरतों पर क्या अजायम हो रहे हैं. और अल्लाह ताला करे कि वहाँ भी अमन बहाल हो, और वहाँ भी जो मजलूम हैं उन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वो बंद हों.